भारतीय बाजार में हैचबैक और सेडान से ज्यादा अब एसयूवी गाड़ियों का क्रेज देखने को मिल रहा है। सभी प्रकार की कंपनियां अब जो एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर लगातार जोर दे रही हैं, साथ ही एसयूवी को बजट में रखा जाए इस पर भी खासा ध्यान कंपनियों का है। अब इसी कड़ी में निसान मोटर इंडिया ने निसान मैग्नाइट ईजेड शिफ्ट यानी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन को बाजार में लॉन्च किया है। देखिए, निसान लगातार भारतीय बाजार में पकड़ बनाने के लिए जो अपनी गाड़ियों में है लगातार बदलाव कर रही है, और इससे पहले भी इस गाड़ी को लॉन्च भारतीय बाजार में किया गया था और इसे खासा पसंद भी किया गया था, लेकिन अब निसान मैग्नाइट को एक नए अंदाज में एक बार फिर से बाजार में उतारने की कोशिश कंपनी ने कर ली है। क्या कुछ गाड़ी के अंदर रहने वाला है, किस तरह के इंजन परफॉर्मेंस होगी, किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो गाड़ी के अंदर मिलेगी, गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर सभी तरह की बातों पर आज यहां पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य आत्रे और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की विशेष पेशकश ऑटोगिरी। निसान मैग्नाइट ईजेड शिफ्ट को एसयूवी, सेडान और हैचबैक वर्ग में सर्वाधिक एक्सेसिबल और किफायती ऑटोमेटिक गाड़ी के रूप में बनाया गया है। देखिए, इसकी शुरुआती कीमत की अगर बात करें तो लगभग कंपनी ने 6.5 लाख रुपए इसकी जो शुरुआती कीमत है वो रखी है और इसकी बुकिंग जो है कंपनी ने शुरू कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद इसकी रेट्स बढ़ सकती हैं, इसीलिए कंपनी प्री बुकिंग की सुविधा है वो निसान के सभी डीलरशिप और निसान की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रही है। अब बात करते हैं किस तरह की सुविधा गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, किस तरह ये गाड़ी किफायती होगी, चलाने में आसानी होगी। देखिए, निसान मैग्नाइट ईजेड शिफ्ट में 5 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो क्लच फ्री आसान ड्राइविंग की फैसिलिटी के साथ साथ एसेसिबल ऑटोमेटिक का लाभ दिलाती है। यानी अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो इस गाड़ी को चलाना काफी आसान रहेगा। निसान ने मैग्नाइट के लिए अपने 2 पैडल ट्रांसमिशन को E2EZ शिफ्ट के तौर पर ब्रांड किया है। निसान मैग्नाइट ईजेड शिफ्ट ड्राइविंग कंडीशन के अनुसार जो गियर है उसको शिफ्ट करेगी, यानी ऑटोमेटिक जो गियर शिफ्टिंग है वो गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, जिससे ग्राहकों को इजी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। आसान ड्राइविंग और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ निसान ने इस गाड़ी के अंदर 1.0 लीटर कैपेसिटी का इंजन मैनुअल और ईजेड शिफ्ट ट्रांसमिशन दिया है। देखिए, आपको मैनुअल के साथ साथ ये ऑटोमेटिक में भी गाड़ी उपलब्ध रहेगी और दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो क्लच फ्री है वो सुविधा मिलने वाली है। और यह अगर ईंधन की बात करें तो ये काफी किफायती भी है, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छा क्लेम जो है पेट्रोल के अंदर इस गाड़ी का क्लेम किया है। मैनुअल वेरिएंट्स के लिए ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंस के चलते मैनुअल में लगभग 19 से 20 का एवरेज किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज गाड़ी देगी। इसके अलावा अगर ईजेड शिफ्ट में की बात करें तो लगभग 19.70 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज कंपनी ने क्लेम की है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ड्यूल ड्राइविंग मोड के साथ साथ निसान मैग्नाइट ईजेड शिफ्ट गियर बॉक्स ऑटोमेटिक और मैनुअल ड्राइविंग मोड से भी को भी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में इंटेलिजेंट क्रीप फंक्शन आपको कम स्पीड पर कार को चलाने की सुविधा देगा। यानी अगर गाड़ी ट्रैफिक में फंसती है तो आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक एडजस्ट करके अपने आप को ट्रैफिक में चलाने के लिए अनुरूप बना लेगी। इसके अलावा सब 4 मीटर एसयूवी में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। इसके साथ साथ JBL के जो स्पीकर्स हैं वो गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ 7 इंच का जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी यहाँ पर काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। रियर वेंट्स के साथ साथ ऑटो एसी और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। अराउंड व्यू मॉनिटर की बात करें तो स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, एम्बियंट मूड लाइटिंग, यानी मतलब अपने मूड के हिसाब से आप गाड़ी के अंदर जो एम्बियंट है उसकी लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ क्रीप फंक्शन, एंटी स्टॉल और किक डाउन कैपेसिटी, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल डायनामिक कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। निसान मैग्नाइट
AMT में नए कलर भी दिए गए हैं इस बार, इसके अंदर ड्यूल टोन ब्लू और ब्लैक कलर है वो उपलब्ध यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा निसान मैग्नाइट ई शिफ्ट के अंदर चार अलग अलग वेरिएंट है और हर वेरिएंट की अलग अलग कीमत यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड की है। हालांकि 6.5 लाख रुपए से ये गाड़ी की कीमत शुरू हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो लगभग 8-8.5 लाख रुपए का भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अपने सेगमेंट की एकमात्र ऐसी कार है जिसमें इस तरह के तमाम जो फीचर्स हैं वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसेंजर्स की सुरक्षा की बात करें तो इसके अंदर ड्यूल फ्रंट एयर बैग भी कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं। हालांकि इसके अलावा चाइल्ड सीट एंकर भी इसके अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इसके साथ साथ स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, हिल स्टार्ट स्टार्ट असिस्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसी जो खूबियां हैं वो इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। इसके साथ साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा भी इसके अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। ABS, EBD जैसे तमाम जो फीचर्स हैं इस गाड़ी में भर भर के यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर बात करें तो अब इंडियन मार्केट में इस गाड़ी का सीधा सीधा मुकाबला अपनी इसकी दो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, टाटा पंच और हुंडई की एक्सटर है, उसके साथ होने वाला है। देखिए टाटा पंच ऑटोमेटिक की अभी लगभग जो एक शोरूम कीमत है लगभग 7.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो पंच से काफ़ी आगे है ये गाड़ी फीचर्स के मामले में, निसान की ये गाड़ी। इसके अलावा हुंडई एक्सटर का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो उसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख है, यानी सीधे तौर पर एक्सटर में भी इस तरह के तमाम जो फीचर्स हैं वो लगभग मिलते हैं, लेकिन जिस तरह के जो इंजन कैपेसिटी है, जिस तरह से अगर बात करें कि ट्रैफिक में जिस तरह से आसानी रहेगी इस गाड़ी को चलाने में, ये तमाम तरह की खूबियां हैं निसान की जो मैग्नाइट है इसके अंदर मिलने वाली है। अब देखते हैं कि निसान ने अपनी इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है, काफ़ी कुछ फीचर्स इसके अंदर दिए हैं और फिर मार्केट में भारतीय मार्केट में इस गाड़ी को उतारा है और सीधे सीधे टक्कर अब इसकी जो टाटा पंच और हुंडई की एक्स्टर है उसके साथ मानी जा रही है। लेकिन जब भारतीय बाजार पे ये गाड़ी उतरेगी, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, किस तरह का एवरेज क्लेम करती है, जो खूबियाँ गाड़ियों के अंदर दी गई है, क्या उस पर वो खरी उतरती है या नहीं, ये ड्राइविंग जो कंडीशंस होगी भारतीय बाजार के अंदर, भारतीय सड़कों के ऊपर और जो क्लाइमेट है उसके अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस ये गाड़ी देती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल द नगरी न्यूज़ में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।